रेस्टोरेंट में जनरली नान मैदे से बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ बिना तंदूर का गेहूं के आटे से बनाए हुए नान की रेसिपी शेयर करूंगी। ये नान बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एकदम परफेक्ट बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी हेल्दी फूड। आज हम बनाएंगे गार्लिक नान। गार्लिक नान बनाने के लिए हम पहले आटा लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 कप दही एक बाउल में ले लिया है। उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। 1/2 टीस्पून चीनी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके अभी हम इसका चपाती के लिए जैसा आटा लगाते हैं वैसा आटा लगा के ले लेंगे। अभी हम आटे में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और आटे को 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मसल के ले लेंगे। नान का आटा मैंने लगा के ले लिया है। अभी हम इसको ढक के गर्म जगह पे 1/2 आवर के लिए रख देंगे। 1/2 आवर के बाद हम आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे और इसकी 8 से 10 लोइयां बना के ले लेंगे। अभी हम एक आटे की लोई लेके उसको सूखे आटे में कोट कर लेंगे और इसको ओवल शेप में बेल के ले लेंगे। अभी हम इस पे बारीक कटा हुआ गार्लिक डाल देंगे, थोड़ी सी कलौंजी और हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप इसमें तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से बेल के ले लेंगे। अभी हम नान को पलट देंगे और सब साइड से पानी लगा के ले लेंगे। हमने नान को जिस साइड से पानी लगाया है वो साइड अभी हम तवे पे डाल देंगे। पानी लगाने की वजह से नान तवे को चिपक जाएगा। अभी हम नान को 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट होने देंगे। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं नान अच्छे से फूल गया है और उसमें अच्छे से बबल्स आ गए हैं। अभी हम तवे को उल्टा पकड़ लेंगे और गैस की फ्लेम से हम नान को सब साइड से अच्छे से सेक के ले लेंगे। नान सब साइड से अच्छे से रोस्ट हो गया है। अभी हम उसको धीरे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं नान दोनों साइड से एकदम अच्छे से रोस्ट हो गया है। अभी हम उसको निकाल लेंगे और उसको बटर लगा लेंगे। हम सारे नान ऐसे ही बना के ले लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट नान बन गए हैं। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।